कौशल शाह एक ऐसी शख्सियत है, आपको शुरू में लगा होगा मैंने जो स्टाइल अपनाई, कहीं कहीं आपने कोई और प्रोग्राम में देखी होगी। जी हाँ, आप बहुत सही सोच रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन की स्टाइल है। वो इसलिए क्योंकि आज के हमारे जो स्पीकर है शायद इनसे बड़ा इनका कोई फैन नहीं होगा, बच्चन साहब का कोई इससे बड़ा फैन नहीं होगा। इन्होंने इनका फैन अपना जो चाहत है बच्चन साहब के लिए वो इतनी बड़ी है, इन्होंने अपने एक पेट प्रोजेक्ट में लोथल के पास उनका मंदिर तक बना लिया है। दोस्तों ये ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में सिर्फ एक लाइन कहूंगा, वो जहां खड़े होते हैं उस वहां से लाइन शुरू होती है और उस लाइन में मैं सबसे पहला मेंबर हूं। दोस्तों आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, आज का जो सेशन है उसको बराबर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनके पास से हमें समय जुटाने में बहुत समय लग गया। आज का सेशन बुक करते करते हम थक गए, बहुत मुश्किल से ये सेशन ब्लॉक हुआ, इनके साथ हमारा तय हुआ। और दोस्तों आज वो जो बात करने वाले हैं वो दिमाग की बात दिल से करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, दिमाग की बात दिल से करने वाले हैं। इसलिए शायद आज के सेशन के बाद आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आने वाला है। आपसे ज्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज के होनर स्पीकर मिस्टर कौशल शाह, कैन वी क्लैप फॉर हिम दोस्तों, कौशल शाह ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, एंड इट्स अमेजिंग इंट्रोडक्शन, ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक मैंने मेरा देखा नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसा भी मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने दिल से मुझे पुकारा और मैं आ गया। सो आज मैं बात करूंगा, आज बहुत समय बाद पॉजिटिव जिंदगी के अंदर मैं बात कर सकता हूँ, ये चांस मिला है मुझे कि मुझे भी मेरे बिजनेस के बारे में बात करनी है। राइट, आई एम अ ऑथर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, मैंने ये रोकान शास्त्र करके एक बुक लिखी हुई है जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जिसको मैंने अंदर डाला है, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा अनुभव है और जो मैंने किया है वही इसमें लिखा है, और अंदर कुछ स्टोरीज है, कुछ हंसने वाली बातें हैं, ये सब मिला के मैंने ये बुक लिखी है ताकि पढ़ने को आनंद आ सके। ये मेरी वीडियो है लेकिन सब आप जानते हैं तो ये मैं स्कीप कर रहा हूँ। लेकिन अबाउट द रोकान शास्त्र, रोकान तो हम इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि हम कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप में कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, दैट इज अ मनी, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ये पैकेज है जीवन का, कि वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि पैसा क्या होना चाहिए और अगेन पैसा क्यों चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, गोल घुमा के बात नहीं करूंगा, सीधी बात होगी, हो सकता है थोड़ी कड़वी हो लेकिन सीधी बात ही हो रहेगी। तो ये पैसा हमें क्यों चाहिए, या तो इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इसके लिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में फैमिली के, खुद के, अपने बच्चों के, अपने वाइफ के छोटे मोटे सपने होते हैं और वो ड्रीम्स पूरे करने के लिए पैसा ही चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात है कि पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता, राइट, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो ये ड्रीम्स हमें होते हैं, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट हमें करना है तो कहाँ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। मैं इस इंडस्ट्री से हूं तो रियल एस्टेट की बात करूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे ग्रुप में भी, इस मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में काम करते होंगे। सब कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में से 20% इन्वेस्टमेंट आपका रियल एस्टेट में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की ये फिलोसॉफी है कि हर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी बास्केट बैलेंस होनी चाहिए, तो ये रियल एस्टेट में होना चाहिए। लेकिन कौन से रियल एस्टेट में होना चाहिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कौन से रियल एस्टेट की बात मैं कई लोगों से पूछता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल एस्टेट तो एक ही होता है ना, अलग अलग थोड़ी होता है। एक्चुअली दो रियल एस्टेट होते हैं, और मैं आपसे वही बात करूंगा, एक रियल एस्टेट होता है जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां हम ऑलरेडी रहते हैं, हमारे ऑफिस है, हमारे शॉप है और जहां हम काम करते हैं, दैट इज अ डेवलप रियल एस्टेट।
और एक दूसरा होता है, तो उसके लिए आप देखिए कि आपके आजू बाजू 10 साल पहले क्या था। मेजोरिटी लोगों के आजू बाजू 10 साल पहले कुछ नहीं था, और आज 10 साल के बाद वहां पे बिल्डिंग से बन गई, नई दुकानें आ गई, नए मॉल आ गए, नई ऑफिस कॉम्प्लेक्स आ गए, ये सब हो गया। तो ये होता है फ्यूचरिस्टिक रियल एस्टेट, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी 2.0। किसी भी चीज का एक्सटेंशन होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी 2.0। तो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट लोकेशन को हम कहते हैं प्रॉपर्टी 2.0, जहां या तो आज डेवलपमेंट हो रहा है या तो आने वाले समय में डेवलपमेंट होने वाला है, दैट इज अ प्रॉपर्टी 2.0। ये स्क्रीन में आप देखिए एक दुबई का फोटो है जहां एक बिल्डिंग है टोयोटा का लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरा जो है फोटो वो सेम बिल्डिंग का है लेकिन वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अब आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि जब कुछ नहीं था तब मैंने कुछ इन्वेस्ट किया होता, राइट, तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलता, या सब कुछ डेवलप होने के बाद मैंने इन्वेस्ट किया होता तो ज्यादा रिटर्न मिलता। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा कि जब कुछ नहीं था तब जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है। तो एक सिंगल लाइन में अगर मैं आपको कहूं तो जब किसी जगह पे बावड़िया होते हैं, मतलब कि कुछ नहीं होता, तब आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको रिटर्न तब मिलता है जब वहां कपड़े सूखने के लिए आते हैं, मतलब कि लोग रहने के लिए आते हैं। जब वो बंजर जमीन होती है तब आप इन्वेस्ट करते हैं, और जब वहां नगर बसता है, लोग रहने के लिए आते हैं, तब वहां प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई के हिसाब से सप्लाई आपके पास है और डिमांड आ गई तो आप अच्छे से कीमत में उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी 2.0 या फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट लोकेशन। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, तो मैं दो चीज आपको बताऊंगा कि अगर आज 2020 में हम ये बात कर रहे हैं तो 2025 में क्या होगा, और ये बात 2010 में मैंने की थी तो आज 2020 में क्या रिजल्ट आया। तो जिन लोगों ने 2009-10 में इन्वेस्ट किया था, इनफैक्ट हमारे साथ, मैं उसी का चार्ट आपको दिखा रहा हूं, जब उन्होंने फ्यूचरिस्टिक लोकेशन में इन्वेस्ट किया था 2009-10 में, तो वहां जमीन का भाव था ओनली 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और आज जो अगर हम बात कर रहे हैं तो 300 के आसपास है। तो इट इज अ रिटर्न 35% रिटर्न पर एनम, राइट, एक साल का रिटर्न जो है 35% है, इट्स अ अमेजिंग रिटर्न। फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर आप 2020 में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2025 में आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो मिनिमम रिटर्न जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इट इज अ 20% पर एनम, मतलब कि 5 साल में आपके पैसे मिनिमम डबल हो जाएंगे। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप दो ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं वो कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आपका पैसा बढ़ गया, आपकी प्राइस बढ़ गई, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपका फाइनेंस परमिट करता है तो आप वहां बिल्डिंग बना के, क्योंकि वहां लोग रहने के आ रहे हैं, वहां नगर बसने वाला है तो डिमांड है, तो आप एक मकान बना के उसको रेंटेड इनकम कर सकते हैं, तो वहां से आपको एक इनकम रेगुलर शुरू हो जाएगी। अगेन आप वो पैसा आपके फ्यूचर के ड्रीम्स के लिए कहीं और जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको इन्वेस्ट करने से क्या मिलेगा उसकी हमने बात की। अब इन्वेस्ट करना है तो कहां करेंगे, तो दिस इज द मोस्ट पोटेंशियल 2.0 ऑफ इंडिया, लोथल, राइट। अब लोथल क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोथल एक तो हमारी हड़प्पन संस्कृति का जो वहां म्यूजियम है, अभी शायद आपके और हमारे सबके पूर्वज वहीं रहते थे, वहीं से हमारी संस्कृति शुरू हुई, वहीं से 84 कंट्रीज के साथ भारत बिजनेस करता था। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक म्यूजियम है, एग्जिस्टिंग वहां जो नगर था उसका पूरा अवशेष है वहां पे, वेल मेंटेन्ड है। वहां पे गवर्नमेंट नेक्स्ट आने वाले 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना रही है, और उसे कहते हैं नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, हमारी हेरिटेज की सभ्यता को संभालने के लिए। और उसके लिए 650 वीघा जमीन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलॉट कर दी है, राइट। और दूसरी अगर बात करें, ये वीडियो है मैं आपसे शेयर कर लूंगा, लेकिन वहां 650 वीघा ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं गवर्नमेंट। देन यस, ये बजट में, बजट 2020 में हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने, अब नीचे देखिए 3150 करोड़ रुपए अलॉट किया है फॉर लोथल। तो ये अलग अलग न्यूज में आया था और ऑफिशियल आप गूगल पे देख लीजिए, न्यूज है। तो इतना इन्वेस्ट होने से क्या होगा, इतना इन्वेस्ट होने से ये होगा कि वहाँ हेरिटेज टूरिज्म डेवलप होगा, वहां पे इंटरनेशनल लोग आएंगे,
और जब उनको आपका अगर प्लॉट आज आपने इन्वेस्ट किया है तो आने वाले 3-4 साल के अंदर ये जब कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा, इंटरनेशनल और नेशनल टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, तब उनको वहां रहने की जरूरत पड़ेगी। आज भी 1 साल के अंदर 50,000 लोग आते हैं, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि ये तैयार हो गया तो मिनिमम 5-7 लाख लोग आएंगे हर साल। अगर इतने लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप वहां आज प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है 3-4 साल के अंदर फिर वहां मकान बनाइए और उस पर रेंटेड इनकम कीजिए। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड योर इन्वेस्टमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया के अंडर में आता है। अगेन ये प्रोजेक्ट 2 कंट्री का कंबाइंड प्रोजेक्ट है, इंडिया एंड पोर्टुगल, ये 2 कंट्री मिलके ये प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं और वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट। इससे फायदा ये होगा कि हमको मालूम है कि कहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेटेड प्रोजेक्ट है, उसके आजू बाजू क्या डेवलप होने वाला है, कितने समय में होने वाला है, तो हम भी हमारी इन्वेस्टमेंट और लैंड एक्वायर वहीं से कर रहे हैं और अगेन हम आपको वहीं इन्वेस्ट कराएंगे ताकि आपको भी वो रिटर्न मिले जो मिलना चाहिए, मिनिमम जो मैंने आपसे बात की। ये 2023 का गवर्नमेंट का टारगेट है, फिर भी मैं एक कंजर्वेटिव साइड पे चलता हूँ कि ये 2025 में पूरा होगा, अपने थोड़ा सेफर साइड चलते हैं। फिर भी अगर 2025 में पूरा हुआ, आपने 5 साल के इन्वेस्ट किया और ये मिनिमम डबल से ज्यादा हो गया, तो इट इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ पास्ट प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, अभी 2 प्रोजेक्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है आपड़ो मलक, उसके ऊपर ये बैक टू बचपन करके कंसेप्ट है, जहां पे हम जब छोटे थे और जो गेम्स खेलते थे वो सभी गेम्स वहां पे है, तो हम अपने बचपन को एंजॉय कर सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि 3-3 जनरेशन एक साथ मिलके वहां गिल्ली डंडा खेलती है और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी 3rd जनरेशन को ये गिल्ली डंडा क्या है वो भी मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सब फैसिलिटी वहीं पे है। ये फोटो नगरी हमने बनाई है, तो वहां जाके आप फोटो शूट कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉप्स है उसके, वहां अलग अलग दीवार बनाई हुई है जहां से आप फोटो शूट करके आपकी मेमोरी को कैप्चर कर सकते हैं। प्री वेडिंग फोटोशूट बहुत सारे होते हैं हमारी जगह पे, तो हमारे ग्रुप में या आपके फैमिली में कभी भी ये जरूरत हो, इट इज ऑल योर्स। ये हमारा डेवलपमेंट है, जो पहले बताया गया कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन, तो डेफिनेटली उनकी एक्टिंग और उसके लिए तो इस दुनिया का हर एक व्यक्ति उनका फैन है। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने जीवन में इतने प्लस माइनस देखे हैं और जिस तरह से उन्होंने टैकल किया है, उसको ओवरकम किया है, तो वो हमें सीखने की जरूरत है, वो हमारे प्रेरणा मूर्ति है। इसीलिए ये मंदिर का वहां हमने बनाया है और आने वाले बहुत कम समय के अंदर हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का एक पूरा म्यूजियम बना रहे हैं हम, जहां पे उनकी पूरी लाइफ स्टोरी होगी और अलग अलग पद्धति से हम उसको वहां डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये हम करने जा रहे हैं। ये हमारे सब कुछ डेवलपमेंट के फोटोग्राफ्स है जहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट, मेमोरी को कैप्चर करते हैं। यस, आज जितने भी लोग आज इस मीटिंग में है, इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम आवर कंपनी। तो ये हमारा बैक टू बचपन का वाउचर है, पिकनिक वाउचर है, जहां एंट्री, वेलकम ड्रिंक, स्नैक्स, देन बैक टू बचपन की गेम्स एंड फोटोशूट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कुछ भी अलग से कुछ देना नहीं है। हर एक व्यक्ति को 10 वाउचर दिए जाएंगे, इट्स कॉस्ट इज 3,000 रुपीज। तो आप 10 लोग मिलके वहां आप अपनी पिकनिक को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जितनी जब भी हम मिलेंगे तब आपके वाउचर्स आपको हैंड ओवर कर देंगे हम। नाउ बैक टू द प्रोजेक्ट। ये लोथल हमारा प्रोजेक्ट है जहां हमने आपड़ो मलक करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दूसरा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया वाइब्रेंट विलेज 1। तो आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो वाइब्रेंट विलेज 2 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 100 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट साइज शुरू होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग रोड्स है, कॉमन प्लॉट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो रोड एंट्री वाले प्रोजेक्ट है। तो आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो सीधा आपका पाव जमीन के अंदर पड़ेगा जहां ये प्रोजेक्ट है, तो कहीं इनसाइड नहीं है। आप एक ब्लू लाइन देख रहे हैं यहाँ पे आगे, तो वो नर्मदा की सब कैनल है, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विथ अस, तो पानी की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पानी के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ 100 फुट पे पानी है और वो मीठा पानी है,
तो हमने ऑलरेडी वहां लगभग 500 से ज्यादा ट्री प्लांटेशन कर चुके हैं, ऑलरेडी बोर वहां पे हो चुका है, इट इज ऑलरेडी गेटेड कम्युनिटी और धीरे धीरे हम उसको डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा स्टूडियो विला है जहां एक 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट के अंदर ये स्टूडियो विला है जो पूरा वेल फर्निश्ड हम बनाने जा रहे हैं। और ये जितना भी फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है वो सब ये पैकेज के अंदर है। इट्स कॉस्ट इज 11 लाख रुपीस, जिनमें जमीन आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गया, बाउंड्री वॉल आ गई, फर्नीचर आ गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब तो कोई स्टार नहीं लगता। तो ये विला का बुकिंग करवा सकते हैं और इट्स ऑल इंक्लूडेड, 11 लाख रुपया। अगर आप सिर्फ प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे रूटीन इज 5,000 रुपीज इन 70 मंथ्स ईएमआई, दैट इज 3,50,000 रुपीज। तो ये RSIP करके हमारा कंसेप्ट है, रियल एस्टेट SIP, ताकि आप हर महीने 5,000 रुपीज जमा करके अपना एक अच्छा सा रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। और साथ साथ में आप कहीं भी हमारी प्रोजेक्ट के साथ, हमारी कंपनी के साथ कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। वी हैव 700+ इन्वेस्टर्स। आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में हो, लेकिन आपने जो आगे फोटोग्राफ्स देखे वो एमिनिटीज, अगर आज आप 5,000 रुपये से बुकिंग करवाते हैं तो कल से ही वो एमिनिटीज आप यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि तुरंत आप वो एंजॉय कर सकते हैं। जो RSIP की बात ही, ये बहुत क्रांतिकारी विचार है जो हमने 2012 में ये लॉन्च किया था। तो एक कॉमन मैन 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके अपने जीवन के बहुत सारे सपने पूरे कर सकता है और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो डेवलप कर सकता है। अब ये हमारे ग्रुप के ही है, डॉक्टर मयूर वाड़ा। अब इनका फोटोग्राफ्स क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे ही इज वन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द प्रोजेक्ट, सो दैट्स व्हाई ही इज देयर। और कुछ और लोगों से मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, और पर्टिकुलर पॉजिटिव जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं मिस्टर परेश दवे, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड। मिस्टर पल्लव शाह, ही इज ऑलरेडी, ये जो है हमारे ओनली इन्वेस्टर्स नहीं है, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। पर्सनली हम ऐसा मानते हैं कि इन्होंने हमारी ब्रांड पे ट्रस्ट किया है और वो एंडोर्स कर रहे हैं। तो दे आर ऑल आर अमिताभ बच्चन फॉर अस, क्योंकि वो जब बोलते हैं तब कहते हैं कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, तो वो मैं जो कहूंगा उससे शायद 100 गुना इम्पैक्ट पड़ता है, जिन्होंने अपना खून पसीने की कमाई को हम पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये लोग हमारे सबसे इम्पोर्टेंट लोग है। द वन इज मिस्टर भाग्यश दवे, देन द कुणाल भाई शाह, देन मिस्टर आलोक जोशी, देन पीयूष भाई मकवाना, ही इज ऑल्सो आर्किटेक्ट ऑफ सेम प्रोजेक्ट। ये मिस्टर दीपक जियानी, मिस्टर पलक वाघेला एंड अशोक भाई वाघेला एंड जय भाई। आई थिंक जगदीश भाई इनमें से कोई है तो आप प्लीज इनसे अनम्यूट कीजिए ताकि हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जान सके। शायद जय भाई इज देयर। यस जय भाई। यस सर। यस सर। वेलकम सर। आपने ऑलरेडी इट्स आवर प्लेजर सर। यस। हाँ जी सर। आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट भी किया है और हमारे एक अलग वर्टिकल है जो हमारा वाइब्रेंट बिजकॉम लिमिटेड, राइट। यस। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सब देख भी रहे हैं, तो आपका प्लीज एक्सपीरियंस बताइए, एज अ इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बताइए हमारी कंपनी के साथ। सर मैं तो वही लाइन रिपीट करूंगा कि जो मैंने 12th ऑफ दिसंबर के आपके प्रोग्राम में कही थी। मेरा क्लियर कट मानना है, मैं गुजराती हूँ, बनिया हूँ, तो बनिया जो सर ऑडियो इज ऑफ, तो प्लीज हेलो कैन यू रिपीट, તમારે રિપીટ કરવું પડશે કારણ કે તમારો ઓડિયો ઓફ થઈ ગયો। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। तो सर मैं वही कहूंगा कि जो मैंने आपकी लास्ट प्रेजेंटेशन में 12 दिसंबर को कहा था, जब मैंने ये प्लॉट परचेज किया, कि मैं बनिया हूँ, गुजराती हूँ, तो हमारे में कहवत है कि जब घोड़े की रेस चल रही हो और उस पर दाव लगाना हो ना, तब घोड़े पे दाव नहीं लगाते, जो चला रहा हो उसके ऊपर दाव लगाते। सो लाइक आप कुछ भी कर लो, मीन्स मेरा रियल एस्टेट में, मैं सच में बोलूँ तो मेरा पर्सनल नॉलेज या एक्सपर्टाइज नहीं है। मैं नहीं जान सकता कि कौन सी लैंड फ्यूचरिस्टिक है
कौन सा एरिया है जो जल्द से जल्द डेवलप होगा। सो जब कभी भी हमें ये अपना अपना नॉलेज जिसमें ज्यादा नहीं हो उसमें उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए जिसको इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज हो और जो सबसे ज्यादा अच्छा जानता हो। सो दैट्स व्हाई वी ट्रस्ट मोर ऑन कौशल भाई। अने कौशल भाई जे के दैट इज माय एक्सपर्टाइज इन रियल एस्टेट। आर जी तुम गाइस यस थैंक यू सो मच जय भाई, आपने इतना हम पे ट्रस्ट रखा, थैंक यू सो मच परेश भाई। इफ अशोक भाई वाघेला इज देयर आई थिंक इफ यू कैन अनम्यूट हिम। यस सर, वन मिनट है सर। अशोक भाई यस तमे अनम्यूट छो, हवे तमे बोली शको छो। हाँ कौशल भी साथे हमारी मुलाकात लगभग 2 वर्ष पहला थई थी અને એમના આની પહેલા પણ પ્રોજેક્ટો પૂરા થઈ ગયા છે, ત્યારે એમ થાય કે સાલું પહેલા આપણે મળી ગયા હોત તો કંઈક વધારે ફાયદો થયો હોત। પણ 2 વર્ષ પછી પણ અમે એની સાથે જોઈન્ટ થયા, આ પ્લોટ લીધા પછી મને એવો વિશ્વાસ આવ્યો કે સાલું આપણે અમુક વર્ષ આપણા મોઢાથી શબ્દ નીકળે, આપણે બાજુમાં સોરી હિન્દીમાં બોલતો બાજુમાં કોઈ જગા હોતી હોય તો બોલો કે એ ફ્લેટ ઇતને મેં મિલતા થા, એ જમીન ઇતને, એ પ્લોટ ઇતને, ક્યાં વાત કરતો, ઇતને મેં મિલતી થી। તો એ ભી જો વાવ હોતા ને, એ મેરો ખ્યાલ છે મેં અમને જો પ્લોટ દિયા ને वो 5 साल के बाद तो मुझे भी कोई बोलने वाला है कि वाह इतने में लिया था। और यही सोचकर मैंने अपने दो दोस्तों को बताया तो आप बिलीव नहीं करे, वो दोनों दोस्तों ने कैश में ये प्लॉट बुक कर दिया है। यस थैंक यू। यस मतलब yes. वो उनकी जो बात है वो सही है कि गुजराती में क्या होता है बावड़िया हो त्यारे रोकाण कराय अने कपड़ा सुकाय ने त्यारे वरदर मळे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। राइट एक और हमारे प्राउड इन्वेस्टर है परेश भाई, कैन यू अनम्यूट हिम प्लीज, कार्तिक भाई पटेल। अनम्यूट सर। हमारे ऐसे इन्वेस्टर है, जब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था राइट और मैंने सिर्फ उनको फोन किया था कि कार्तिक भाई हमने ये लॉन्च किया है, तो बोला उन्होंने सिर्फ एक ही आंसर दिया था कि वो सब बात जाने दो, पैसे इन्वेस्ट करने शायद उन्होंने सर कार्तिक भाई नु कोई बिलू छे फेस देखाई छे, कारण के नाम थी सर्च नहीं थई रहा सर। कार्तिक भाई इफ यू आर देयर प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। ओके तब तक हम बात करते हैं कि हमारे और इन्वेस्टर है हमारे साथ निहल भाई शाह। एक मिनट सर। या निहल भाई छे, एक मिनट। निहल भाई तमे बोली शको छो, तमे अनम्यूट छो। यस निहल भाई प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। निहल भाई आर यू देयर? यस हेलो, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। कौशल भाई इससे पहले मैंने कभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं था रियल एस्टेट में, और जब फर्स्ट टाइम मेरी और आपकी मुलाकात हुई तो मैं सच में बताऊं तो मैंने कभी उसके बाद 2-3 महीने तक भी स्ट्रिप में प्लॉट देखने नहीं गया था। नहीं मतलब मैंने प्लॉट नहीं देखा था, सिर्फ कौशल भाई को देखा था और उनको सुना था। और उस टाइम मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने मेरे मतलब मेरी साली है, मेरी कजिन है, उनको भी मैंने साथ साथ में प्लॉट बुक करवाया था। तो आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि वो मेरे 5,000 महीने में जा रहे, कभी पता भी नहीं चलता है कि वो मेरा धीरे धीरे काम भी हो रहा है और वो निकल वो एक इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा भी रहा है। तो आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक कौशल भाई एक मिनट, कार्तिक भाई यस अनम्यूट है। कार्तिक भाई हेलो, यस आवाज आ रही है? यस यस यस। बस सबने बोला है कि ट्रस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये कौशल भाई ने बात किया कि लोथल का ऐसा बैकग्राउंड है, धौलेरा का ऐसा है, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये सब चीज कोई और पर्सन लेके करे उससे अच्छा जो कौशल भी कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी है। तो इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। जो कौशल भाई ने बताया कि भाई सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट चालू किया था तब मैंने खाली फोन करके बोला था कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोल दिया था भी हमारे इतने प्लॉट लिख लो। तो वही है इसमें कि ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्लॉटिंग स्कीम वगैरह तो बहुत सारी सब जगह चलती होती है, पर कौन सा पर्सन है, कौन ये चला, वो आपके बैक ऑफ बोन कौन है,
यस कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच। ये आई थिंक नेहल भाई, सर एक मिनट, नेहल भाई हाथ ऊंचो करे तो नेहल, तमे नेहल भाई के केवा मांगो छो के? हाँ ला, अभी मैंने जो बात अभी शेयर किया ना, उसमें एक बात कहना मैं जरूर भूल गया। yes, अभी आई थिंक दो दिन पहले वो मनसुख मांडविया के एक जो अफवाह चल रही थी कि वो केंद्र सरकार ने बुलाया, ये सब बुलाया, तो उस टाइम मैंने एक चीज जरूर देखा था मैं तो, ये सेशन हो सकता है कौशल भाई का जरूर होगा इस बार, क्योंकि मैंने काफी बार उनकी तस्वीर मनसुख भाई मांडविया से देखी हुई थी, उनसे मुलाकातें देखी हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद वो भले ही मोदी जी ने बुलाया हो, मगर जब वापस आएंगे तब कौशल भी जरूर हमारे सामने आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो बीट तथास्तु, आपकी बात जो कर रहे वो सही हो जाए, राइट। और कार्तिक भी ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारा अटला प्लॉट लखी लो, राइट। जनरली लोग ऐसे कहते हैं ठीक है मारो एक प्लॉट लखी लो तुम्हें, लेकिन कार्तिक भाई ने उनका दो प्लॉट किए, फिर उनके ब्रदर के किए, फिर उनके फादर इन लॉ के किए, पूरे ग्रुप का बोला कि इतना लिख लो आप, लाइक दैट इज द, मतलब यही चीज है जो हमको, मुझे थोड़ा डर भी देती है कि जब ट्रस्ट कोई करता है तो वो जवाबदारी फिर और बढ़ जाती है। लेकिन थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया। एंड आई थिंक हमारे साथ एक विशाल भाई शर्मा है, तो परेश भाई कैन यू अनम्यूट हिम, विशाल भाई शर्मा, वन मिनट सर। विशाल भाई शर्मा के बारे में बात करूं, हमने 2000 में एक मीटिंग की थी, तो उस मीटिंग में मैं और विशाल भाई एक एसएमएस कैंपेन से मिले थे, तब तक हमने एक दूसरे को देखा नहीं था, दो तीन बार फोन से बात हुई थी, और अमेजिंग थिंग ये है कि जब वो आए तब लेके आए और सीधा उन्होंने प्लॉट बुक कर दिया, और दो प्लॉट बुक किए थे हम उन्होंने। तो इज देयर विशाल भाई? यस विशाल भाई, यस यस विशाल भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग રિયલ એસ્ટેટમાં ક્યારે ઇન્વેસ્ટ કરેલું જ નથી, એના પછી મેં એમને વાત કરી, એમ એક વ્યવસ્થા હતી કે મતલબ સાઈટ પર લઈ જવા માટે, તો મેં પૂછ્યું તો ત્યારે એમ જગ્યા નથી, એના પછી ફરીથી એક વાત એ નંબર ને સેવ કરી રાખ્યો હતો, અને થોડાક દિવસ પછી મેં ફરીથી એમનો એડ આવી અને પીઝા પોઈન્ટમાં નવરંગપુરામાં પ્રોગ્રામ હતો, જેમાં નવા નવા કસ્ટમર આવે, વિઝિટર્સ આવે, એમને બતાવી શકે બ્રોશર થ્રુ, તો હું મારી વાઈફ મારા ડોટર અમે ત્રણેય ત્યાં ગયા અને ઘણા બધા વિઝિટર જોડે વાત કરી, એમની સાથે પણ વાત કરી, અને એ જ ટાઈમે અમને એવું લાગ્યું કે આમાં રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરી દેવું જોઈએ, આ એક વ્યવસ્થિત રોકાણ છે અને જે ફ્યુચરમાં આપણને ખાસું રિટર્ન આપી શકે એવું છે, અને પ્લસ અમને ટ્રસ્ટ પણ લાગ્યું અમને। પછી અમે એ જ ટાઈમે અમે ઓન એક આઈ થિંક 2000 રૂપિયા કેશ આપીને અમે બે પ્લોટ બુક કરાવી દીધા, બરાબર, ત્યારે અમે પ્લોટ જોયો જ ન હતો, એકચ્યુઅલી સાઇટ વિઝિટ તો પછીની વાત છે। એના પછી અમે એમની ઓફિસે ગયા, પાલડી ઓફિસ પર, પછી ત્યાં અમે ચેક્સ આપી દીધા અને એના પછી અમે સાઇટ વિઝિટ કરી, અમને બહુ સરસ લાગ્યું એમની જોડે વાર્તાલાપ કર્યા પછી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા પછી, અને અમારા જેવા મિડલ ક્લાસ માટે તો આ બહુ મોટી વસ્તુ છે કે આપણે પ્લોટમાં રોકાણ કરીએ, એ ફ્યુચરમાં બહુ બેનિફિટિક છે। એના પછી અમારે ત્યાં એક ટેનન્ટ રહેતા હતા મિસ્ટર લક્ષ્મણ, એમણે પણ એમની જોડે બે પ્લોટ બુક કરાયા, અને રિસન્ટલી અમે એક ત્રીજો પ્લોટ પણ એમની જોડે બુક કરાવી દીધો, ટોટલ 5 પ્લોટ થઈ ગયા છે। थैंक यू कौशल भाई, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, विशाल भाई के साथ ऐसा है कि इट्स नाउ फैमिली रिलेशन, और मैं उनके घर चाय पीने जाता हूँ, नाश्ता करने जाता हूँ, उनकी बेटी और मेरी बेटी आर फ्रेंड्स। तो पहले उन्होंने दो प्लॉट बुक कराए और अमेजिंग एक एडवर्टाइज से मिले थे, हम उससे कोई रेफरेंस से जानते नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक ट्रस्ट रखा, उनके जो पेरेंट बोला वो विशाखापट्टनम में आज, और वो रेगुलर पेमेंट करते हैं, और जब उनका एक ईएमआई पूरा हो गया दो प्लॉट के, तब उन्होंने तुरंत जो हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। सो थैंक यू विशाल भाई हम पे ट्रस्ट रखने के लिए। आई थिंक नेक्स्ट इज, मेरे कोई फ्रेंड दिख नहीं रहे, लेकिन थैंक यू सो मच, आई थिंक नयन भाई इज देयर, नयन भाई? हाँ छे सर। नयन भाई कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज? हेलो,
યસ નયનભાઈ એક્સપિરિયન્સ તો કમ્પ્લીટ કીધું એવી રીતે જ અમે પણ કૌશલભાઈ ને હું પણ એક સિંગિંગ એનું એક હતું મારું એક પ્રોગ્રામ હતો એના દ્વારા મેં મનીષ પંચોલી દ્વારા મળ્યા હતા કૌશલભાઈ ને અને પછી ત્યારે એવી કોઈ વાત નહોતી ક્યારે કે એવી કઈ થઈ નહોતું કે ભાઈ પ્લોટ નું કામકાજ છે ને એવું છે ને પછી અમે કરાઓકે ક્લબ દ્વારા આગળ મળ્યા વાત થઈ ને પછી એવી રીતે વાત થઈ એક પ્રોગ્રામ માં સાંજે કે કાલે એક પ્રોગ્રામ છે તો તમને અનુકૂળ હોય તો પછી મેં ઘરે આવીને ફરીથી એમને ફોન કર્યો મારો પ્લોટ બુક કરાયા પછી બીજા બે પ્લોટ બીજા બ્લોક બુક કરી દો એક મારા શાળાનો અને એક એમના શાળાનો જગ્યા તો મેં પણ નહોતી જોઈ ત્યારે અને મારા શાળા એને એના શાળાએ તો હજી નથી જોઈ એવું છે ગ્રેટ સર યસ યસ થેન્ક યુ સો મચ નયનભાઈ આઈ થિંક લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ આપણી જે સુરેશભાઈ છે સુરેશભાઈ પ્લીઝ શેર યોર એક્સપિરિયન્સ પ્લીઝ સુરેશભાઈ વંજારા યસ ઓકે થેન્ક યુ કૌશલભાઈ એક્સપિરિયન્સ માં તો ઓલમોસ્ટ બધાએ કીધેલું છે એ પ્રકારનો જ છે કે રિયલ એસ્ટેટનું આ પ્રથમ રોકાણ છે અમારું અને અમે લોકો પાર્ટનર છીએ ત્રણ અને ત્રણની વચ્ચે આ પ્લોટ બુક કરેલો છે પણ મને ખબર નથી ખરેખર અત્યારે યાદ પણ નથી કે પ્લોટના નંબર કેટલા છે અને જે સાઇટ છે આપણી સાઇટમાં અંદર જવાથી ડાબી બાજુ છે કે જમણી બાજુ છે મને ખરેખર ખબર નથી જે તમારી સાથે ઓળખાણ થયેલી એ પણ કદાચ તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે કેવી રીતના મળ્યા છીએ એક સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મથી આપણી મુલાકાત થઈ છે અને પછી આપણે આગળ વધ્યા હતા પણ જેમ બધાએ કીધું એમ એક વિશ્વાસ છે પણ હું થોડો આગળ વધીને કહીશ કે હવે કૌશલ શાહ એક બ્રાન્ડ બની ગઈ છે અને એ બ્રાન્ડ ઉપર ભરોસો કરીને લોકો ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે હું એવું માનું છું આ મારો એક્સપિરિયન્સ છે થેન્ક યુ સુરેશભાઈ ફોર એ કાઇન્ડ વર્ડ્સ અને આપણા જેટલા પણ પ્રોજેક્ટ છે એની જે આપ દિવાલો જોઈ રહ્યા છો ફોટોશૂટથી માંડીને બાઉન્ડ્રી વોલ્સ જે એક પેલો વિલા બનાવેલો છે દરેક વસ્તુ સુરેશભાઈ જ બનાવેલો છે So now it is a two-way business and family relation. It's all about that. Right? Even nothing that only business can be done. So thank you, Suresh bhai, for trusting. So I mean, इतना मटे बता investors साथ में बात करी because हूँ बात करूँ तो definitely हूँ तो हमारा विषय सारूच केवान हो जो. पर जहाँ कोई busy व्यक्ति बात करे से ना दिल नो experience share करे से ये वधारे matter करतो है जे. પરેશ ભાઈ નું એટલા માટે નથી પૂછતો કે એ is very close friend અને તમને એવું ના લાગે કે આ તો જરૂરત નહી હે અભી ક્યોંકિ મેરે સે જ્યાદા હમારે ઇન્વેસ્ટર્સ ને બોલ દિયા હે લેકિન ફિર ભી મેં એક ઓવરવ્યૂ કરના ચાહુંગા કે આપકા જીતના ભી પોર્ટફોલિયો હૈ ઉસમે સે 20% પોર્ટફોલિયો ફ્યુચરિસ્ટિક રિયલ એસ્ટેટ મેં હોના ચાહિયે ઓર ડેફિનેટલી યે મેરે સાથ હોના ચાહિયે क्योंकि ये 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है 700 प्लस इन्वेस्टर्स है हमारा लैंड पार्सल बड़ा है एंड देन वेरी बिग पोर्टफोलियो वी आर हैंडलिंग इट्स मोर देन 25 करोड़ रुपीस सो दैट इज द थिंग यस नेहल भाई आपकी क्या कहवा मांगो छो ओके सो जे लोको अजी शायद हमारे साथ इन्वेस्ट नहीं किया है जो फ्रेंड्स है उनके लिए फॉर 2 डेज देयर इज अ ग्रेट ऑफर आज और कल के लिए ये कल शाम खत्म हो जाएगी ऑफर तो 3 ऑप्शन है आपके पास जो प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का इट कॉस्ट 2,50,000 रुपीस जो हमारे आज पार्टिसिपेंट आज जुड़े हुए हैं उनके लिए 25,000 रुपीस डिस्काउंट पेमेंट टर्म्स इज 90 डेज सेकंड ऑप्शन अगर आप आर एस आई पी में जाना चाहते हैं ईएमआई में जाना चाहते हैं तो रेगुलर कॉस्ट इज 3,50,000 रुपीस इट्स 5,000 इंटू 70 एस आई पी For PJ, it is a 50,000 rupees discount. So 10 EMI aapke discount ho jayenge aur 5,000 into 60 EMI. And the last one and amazing thing, the studio villa, it's fully furnished with land plus construction plus furniture, everything included, right? That is cost is 11 lakh rupees. For participant and for PJ members, it is a 10 lakhs rupees, so 1 lakhs rupees discount. Aur ye bhi aapko ek saath nahi dene hai. Aapko 36 months ke EMI mein dene hai. So it's a EMI is 27,777. So ये कल शाम तक है आप हो सके तो बेनिफिट लीजिए आप
और बैंक डिटेल आप मांगे थे या कुछ क्वेश्चन है तो आई एम ऑलवेज देयर, सो हम उसके लिए बात कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद मैं अब करने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हमने आज तो जो भी जो कुछ भी डेवलप कर लिया, लेकिन आगे का क्या? तो ये 2022 का हमारा टारगेट है। अभी हमारे पास 47 बीघा लैंड है और हमको ये टारगेट है कि 100 बीघा करना है। और हमारी जी एक दूसरा वर्टिकल है वाइब्रेंट डिस्कॉम लिमिटेड, जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो जय भाई ने इनकॉर्पोरेट की है और उसका टेक केयर कर रहे हैं, दैट इज अ कंपनी, आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। और यहाँ हम शेयर भी अलॉट करते हैं और 2022 में आईपीओ लाएंगे। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स हमसे कमाते हैं या हमसे खुश है, राइट, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जर्नी आगे की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये जर्नी शुरू हुई थी 2004 में। ये पिक्चर जब मैंने देखा था, आपको भी याद आ गया होगा, मुझे कहीं मीटिंग में जाना था और बताना था कि मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट और मेरा नाम कौशल शाह है, लेकिन ये दो शब्द में उस वक्त बता नहीं पाया था। आज तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे पसीने छूट गए थे। लेकिन वो हारना पसंद नहीं होता, तो वहां से मैंने ओवरकम किया और फिर कुछ 11,000-12,000 लोगों को मैंने एड्रेस किया फॉर 45 मिनट्स। लेकिन एक और ड्रीम बना कि मुझे 1,00,000 लोगों को एड्रेस करना है, तो कैसे होगा? फिर मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि न मैं अमिताभ बच्चन हूँ, न मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मुझे 1,00,000 लोग क्यों सुनेंगे? लेकिन जब हमने ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमारी लॉन्च की, तो तब ये मुझे ख्याल आया कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स हमसे सेटिस्फाई है, तो हमारी AGM हो सकती है 1,00,000 लोगों की। तो ये ड्रीम मैंने बनाया कि 1,00,000 लोगों की AGM होगी 2022 में। इट्स अ 27 December 2022। यू ऑल आर इन्वाइटेड विथ फैमिली। लोकेशन फिक्स है, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम। वहां पे हम इस जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे, हमारी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। और वहां पे हमारे जय भाई है, वो सब टेक्निकल बातें करेंगे जो डेफिनेटली बोरिंग होगी, लेकिन वो करनी पड़ती है सिस्टम के हिसाब से। कुछ ऑल डायरेक्टर्स होंगे जो बेसिक जो बातें करनी है करेंगे। लेकिन दो काम है जो मैंने अपने आप पे ले लिए हैं, जो दो काम है जो मुझे करने हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टर्स है। और आप देखते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बात की, वो सब दिल से जुड़े हुए हैं, तो उनको रिटर्न मिला हुआ है। जैसे ये पर्टिकुलर मैं बात करूं कार्तिक भाई और विशाल भाई की, तो कार्तिक भाई और विशाल भाई ने जब इन्वेस्ट किया था, मुझे एग्जिट याद नहीं 4 साल पहले, लेकिन शायद 1500 रुपये स्क्वायर यार्ड से इन्वेस्ट किया था। और आज जो उसी जगह पे हम सेल कर रहे हैं, वो 3,500 रुपये पे सेल कर रहे हैं। फिर भी मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में कहा कि 5 साल में डबल हो वो होना चाहिए, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है, आप कितना हुआ, 2.5 टाइम्स शायद हो गया विद इन 4 ईयर्स, राइट। तो ऑलरेडी सब एंजॉय करते हैं वो इन्वेस्टमेंट को, तभी इतना प्यार करते हैं, क्योंकि सबके भी मेहनत की कमाई होती है। तो वहां पे 1,00,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है। इस सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, कुछ नए ड्रीम देखेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। लेकिन वहां दो काम मुझे करने हैं। एक काम होगा, देखिए आज भी मैं आपके साथ खड़े रह के बात कर रहा हूं, मुझे बैठ के बात करना मैं मतलब कर ही नहीं सकता। मेरे मतलब आप मुझे बिठा दो ना, तो अभी मैं बोलना बंद हो जाएगा मेरा। तो ये एक्साइटमेंट और एनर्जी आप सब इन्वेस्टर से ही मुझे आती है, आपके प्यार से ही आती है। उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। और दो चीज जो मैं करने वाला हूँ, जो आपके आपको और मुझे साथ में मिलके करनी है, एक करनी है जो है हमको डांस करना है, राइट। डांस करना है तो सॉन्ग भी फाइनल है, जिंदगी मिलके बिताएंगे सत्य पे सत्ता का, अगेन इट्स अमिताभ बच्चन सॉन्ग, तो जिंदगी मिलके बिताएंगे। आप ये गीत आज ढूंढ के यूट्यूब से एक बार फिर से सुनना। ये इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी आप मान लो, जिंदगी जीने की फिलोसॉफी मान लो, दोस्ती की फिलोसॉफी मान लो, एक एक वर्ड आप उसका सुनना। जो मेरे एक बहुत फ्रेंड है विमल त्रिवेदी, उन्होंने ये मुझे सजेस्ट किया था, और जब मैंने फिर से ये गाना सुना तो मुझे लगा कि ये तो जीवन जीने की फिलोसॉफी है, राइट। तो ये गाने को अब ब्लड में उतार देना है हमको, आप आज फिर से सुनना। तो उस गीत पे हम डांस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप सबको एक इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि आपको एक A4 साइज का पेज लेके आना है अपने पॉकेट में, राइट। तो पेज को आपको क्या करना है, ऐसा प्लेन बनाना है। अब देखिए ये मैंने प्लेन बनाया है, इस पे दो लोगो है, प्रॉपर्टी किटली का एंड वाइब्रेंट डिस्कॉम लिमिटेड। वाइब्रेंट डिस्कॉम के आप शेयर ले सकते हैं और प्रॉपर्टी किटली से आप प्लॉट ले सकते हैं।
तो आज भी हम डीमेट करके देते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट रेडी है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। तो ये प्लेन को क्या करना है हमको, ये आपने जो पेज लेके आएंगे उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा सपना लिखना है। उस दिन जो सपने पूरे हो गए वो तो हो गए, लेकिन एक और सपना लिखना है। फिर वो सपना लिख के मैं भी मेरा सपना, क्योंकि जो 2022 तक तो पूरे हो गए, फिर 2025 का क्या, 2030 का क्या, राइट। तो एक और सपना बनाना है हमको, और सपना लिखना है, और वो सपना इसमें लिख के एक विश डाल के इसको हमको 1,00,000 प्लेन ऐसे उड़ाने हैं, हमको साथ में मिलके उड़ाने हैं और नए गोल सेट करने हैं। तो दैट इज द फ्यूचर, दैट इज द एजेंडा, दैट इज द ड्रीम 2022। तो क्लोजिंग में यही करना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पे ट्रस्ट किया, कंपनी पे ट्रस्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट किया, और इतना प्यार दिया, इतना इन्वेस्टमेंट दिया, और फ्यूचर में भी देते रहेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, दैट इज अ रेफरल बिजनेस प्लान, जिसकी मैं आज बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन जब रेफर करते हैं, बिकॉज मैंने सबसे पहले कहा था कि आप सब मेरे लिए अमिताभ बच्चन हो, क्योंकि आप मेरी कंपनी को एंडोर्स करते, यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी। तो जब आप रेफर करते हैं तो देयर इज अ बिजनेस मॉडल जो सेकंड सोर्स इनकम हो सकता है। आज मैं बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो डेफिनेटली हम पर्सनल लेवल पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ बात को एंड करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया और इतनी शांति से मुझे सुना। इफ एनी क्वेश्चंस, डेफिनेटली मैं आपके साथ आंसर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू कौशल भाई, एज यूजुअल आपका।